केमिस्ट्री में ना बायो मॉलिक्यूल और पॉलीमर बहुत पढ़ के गए थे, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा उसका। ये थोड़ा दुख की बात हो गई। तो ये मुस्कान का राज क्या है आज? मुस्कान का राज कुछ नहीं है, मेरा मतलब यही कॉन्फिडेंस है कि अगर खराब भी जाए तो कम से कम फेस में मतलब नहीं दिखना चाहिए। बात है, कुछ कुछ तो थे डायरेक्ट जैसे क्लास के ही थे, आनिया सर ने वेक्टर थ्रीडी कराया था तो उससे तो बहुत सारे आए थे क्वेश्चन। पीवाईक्यू उसने बहुत हेल्प किया। पीवाईक्यू कर ले तो फायदा होगा, ऐसा हुआ क्या? पीवाईक्यू से फायदा हुआ बहुत। साल 2023 की तो शानदार शुरुआत हो ही चुकी है, लेकिन ऐसे में जेई मेंस 2023 की आज पहली परीक्षा थी। हम लोग एक सेंटर पे आए हैं और आइए जानने की कोशिश करते हैं कुछ बच्चों से कि आखिर उनका एग्जाम कैसा रहा। तो बड़े सबसे पहले अपना नाम बताओ। माय नेम इज आदित्य विजय। तुझे कैसा रहा एग्जाम, कैसा लग रहा था आपको, समझ में आया कुछ कि नहीं आया, सबसे पहले ये बताओ। एग्जाम इजी था बहुत, मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में दिए हुए थे क्वेश्चन, ज़्यादा ऐसे घुमा फिरा के नहीं दिए हुए थे कि हमसे नहीं हो, बहुत इजीली समझ आ रहे थे सब क्वेश्चन, और कुछ तो ऐसे लग रहे थे कि सीधे एनसीईआरटी से उठा कर आ गए। तो केमिस्ट्री अच्छी थी। आपको कौन सा सब्जेक्ट आसान लगा? मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगा। केमिस्ट्री अच्छा लगा, ओके। मेरे केमिस्ट्री के हो गए लगभग, बहुत बढ़िया। फिजिकल के ही थे जो मुझे करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बाकी हो गए। फिजिक्स भी थोड़ी बहुत अच्छी थी, इजी थी, क्वेश्चन की लैंग्वेज इजी थी, तो बाकी थोड़ा सा क्वेश्चंस में तो थोड़ा टिपिकल था, बट लैंग्वेज बहुत इजी थी। किस सब्जेक्ट का पेपर लेंदी लगा आपको बेटा? मैथ्स का थोड़ा लेंदी था। मैथ्स का लेंदी था। अच्छा मुझे ये बताओ पीवाईक्यूज़ ने हेल्प किया कि नहीं किया? पीवाईक्यूज़ ने बहुत हेल्प किया, बहुत मतलब हो रहे थे, लगभग हो रहे थे। नहीं तो आपको जो कोचिंग में पढ़ाया गया ऐसा तो नहीं लगा कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया हो? आउट ऑफ सिलेबस मतलब जो पढ़ाया गया वही आया, सब कुछ उसी में से था जो पढ़ाया था। कितने मार्क्स आ जाएंगे? अभी सोच नहीं सकती क्योंकि अभी तो मैंने पेपर किया है, घर पे जाके थोड़ा चेक करूंगी तब जाके समझ आएगा कि कितने आ जाते हैं, पर हाँ केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आ जाने चाहिए। मतलब केमिस्ट्री ने मतलब बहुत हेल्प करी, बहुत हेल्प करी, इजी था उसका, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका, नाम बताओ? व्योम कुलश्रेष्ठ। व्योम कैसा लगा पेपर? अच्छा था। अच्छा था, हाँ। करने वाला था या छोड़ने वाला था? मैथ्स थोड़ा टफ था, बाकी तो इजी था। अच्छा, कंपैरेटिवली बहुत इजी था, अगर प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करूं तो फिजिक्स इजी था। केमिस्ट्री, व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? केमिस्ट्री केमिस्ट्री आसान था। हाँ। तो मतलब ऐसा लग रहा जैसे पीवाईक्यू कर ले तो फायदा होगा, ऐसा हुआ क्या? हाँ, पीवाईक्यू से फायदा हुआ। हाँ, बहुत हुआ। मैथ्स लेंदी था। हाँ, मैथ्स थोड़ा था, लेंदी हो गया था। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी किए क्या केमिस्ट्री में? तो हुए थे, मैथ्स में तो सर नहीं था। सर हर साल के मुकाबले अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या एक्चुअली मैथ्स लेंदी आता है? मैथ्स तो सर हर साल लेंदी आता है, मैथ्स का तो मतलब मैथ्स तो होता ही ऐसा है ना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और बच्चे को थोड़ा सा लगता है कि यार टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो बच्चा पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता है, फिर समय बचता है तो सोचता है मैथ्स कर लूँ, तो तब तक समय खत्म हो जाता है। एब्सोल्युटली। क्यों सर, मैथ्स में कौन सा पोर्शन ज़्यादा आया था? मैथ्स में आपका मतलब मेंस के टॉपिक है वो तो आई थे थोड़े, वो तो आते ही हैं, रीजनिंग एंड प्रोबेबिलिटी सेट्स में डालो तो वो थोड़ा ज्यादा वेट है इस बार। कैलकुलस का कितना वेटेज था? कम था। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर 3D हमेशा ज्यादा ही रहता है, करेक्ट, इस बार भी ज्यादा था। ठीक है, पेपर में मतलब कुछ ऐसा लगा मैथ्स में कि बिल्कुल नया था, देखा हुआ नहीं आया? नहीं, ऐसा तो नहीं था, करे हुए क्वेश्चन से लग रहे थे बस, वो लेंथी होने की वजह से छूट रहे होंगे, बदल गया था थोड़ा बहुत, देखा। ठीक, कांसेप्ट वही था, मतलब क्वेश्चन बदल गया था। ठीक है, अटेम्प्टिंग के क्या स्ट्रेटजी थी तुम्हारी, पहले क्या अटेम्प्ट किया है? मैंने पहले केमिस्ट्री। ओके, रजनीश कैसा रहा पेपर? सर पेपर अच्छा था, मतलब क्वेश्चन मीडियम लेवल का था और ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से केमिस्ट्री में हुआ, उसके बाद फिजिक्स में हुआ, मैथ्स में क्वेश्चन फंस रहा था, लेकिन फिर भी मैथ्स में मतलब 25 में से मैंने 12 क्वेश्चन किए हैं। बढ़िया। अच्छा एक बात का बेटा, तुम मोशन के हो? यस सर। तो एक ईमानदारी से बताना कि जो क्लास में पढ़ाया गया, जो अपने मॉड्यूल में था, जो अपने टेस्ट पेपर में था, उसने कितनी हेल्प करी तुम्हारी, बिल्कुल अनबायस होके, मतलब ये नहीं कि हम लोग मोशन गए तो तुम मोशन की तारीफ करो, अनबायस होके बोलो। सर जो क्या बोलते हैं, मतलब जो सीट का पेपर था और DPP सॉल्व किया उससे, मतलब कि लगभग तो अभी यहाँ केमिस्ट्री में खास करके मतलब 60% क्वेश्चन वहीं से डायरेक्ट आया, मैच कर रहा लगभग, मतलब ऐसा कोई पार्ट केमिस्ट्री में जो हम लोगों ने क्लास में ना पढ़ाया हो, जो भी मैंने पढ़ा मतलब लगभग वही सेम टू सेम कुछ भी, मतलब फिर भी तो चेंज है लेकिन जो पढ़ा हुआ वही है। नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन आया था जो अपन लोगों ने क्लास में ना पढ़ाया हो और आ गया हो, तुम्हें लग रहा हो ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं? हुआ क्वेश्चन, मतलब एकदम
नहीं वैसा नहीं है वो तो फिर मेरे पे है जो मैंने नहीं पढ़ा फिर उस पे है। बाकी फिर मेरे से कम्युनिकेशन छूट गया था तो उसे एक क्वेश्चन था वो मेरे से नहीं हुआ, रिवीजन में थोड़ा मेरे से भी रह गया था। मतलब आने वाला जो बच्चा है जो अगले साल आने वाला है मान लो कोटा, उसको तुम क्या मैसेज देना चाहोगे? उसके लिए तो यही रहेगा कि मोशन बेस्ड है, आइए यहाँ पे आके देखिए एक बार और जरूरी से एडमिशन मतलब यही लीजिए। ठीक है, मतलब मोशन का एनवायरनमेंट, टीचर सपोर्ट, सिस्टम सपोर्ट सब शानदार एकदम। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो हमारे साथ है मुस्कान की चमकान की मुस्कान। तो ये मुस्कान का राज क्या है आज? मुस्कान का राज कुछ नहीं है, मेरा मतलब ये कॉन्फिडेंस है कि अगर खराब भी जाए तो कम से कम फेस में मतलब नहीं दिखना चाहिए। कैसा हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ? मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, मैथ्स थोड़ी सी टफ थी, बट मैंने मैथ स्टार्टिंग में मतलब एकदम फर्स्ट में मैथ स्टार्ट किया था क्योंकि मेरा वो अप्रोच रहता है यूजुअली, तो वो पहले देख के मैं थोड़ा डिमोटिवेट हुआ। फिर मेरे को याद आया कि जेई मेंस में यूजुअली मैथ्स टफ होती है, तो मैं थोड़ा काम हुआ और फिर मैंने फिजिक्स स्टार्ट की ताकि मतलब बनने स्टार्ट हो, पहले स्कोर करना स्टार्ट हो जाए तो फिर मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो उससे मतलब लगभग 40 बने और अच्छा मतलब लग रहा है कि हो जाएगा। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल जैसे फिजिक्स आसान थी तो उसमें कोई कुछ बोलने ही नहीं है, वो बहुत ही इजी थी। मतलब केमिस्ट्री मेरे को मेरी थोड़ी वीक है तो मैं उसमें ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा कि कितनी अच्छी कितनी बुरी। मैथ्स एक्चुअली टफ थी। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने ऑल टोटल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें 12 से 13 शायद फिजिक्स के थे, 14 केमिस्ट्री के थे और 11 शायद मैथ्स के थे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अगर वो वेटेज पूछा जाए तो मैथ्स में किसका वेटेज था ज़्यादा? अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट? नहीं, मैं एक्चुअली वैसे सोच नहीं रहा था, मैं जस्ट क्वेश्चंस में फोकस किया था कि मतलब कहाँ से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बता दो कि भगवान को याद किया था नहीं किया था सुबह आज याद? प्लीज डोंट माइंड, बट नहीं किया था। अच्छा नहीं किया था, ओके कोई बात नहीं। मैं बस पेरेंट्स को याद किया था, वही। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से जो है एडवांस की तैयारी करो बढ़िया से। सही बात, ठीक है ना, टेंशन ना ले, रिलैक्स हो, बढ़िया। चलो, नाम क्या है? अमन सिंह। अमन, तो कैसा हुआ पेपर? सही था। सही था मतलब 10th का पेपर, मतलब 8th का पेपर? बोल इतना भी आसान नहीं था, आसान नहीं था। मतलब मैथ्स तो इस बार इजी आया था, सोचा नहीं था इतना इजी आया। पहला इंसान है जो कह रहा है, तू कह रहा है मैथ्स इजी। अच्छा क्या इजी था उसमें? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आए थे ज्यादा, फार्मूला बेस्ड। पीवाईक्यूज कितने हेल्प करे आपको इस बार एग्जाम देने में? पीवाईक्यूज तो बहुत हेल्प किए और रिवीजन नहीं हुआ मैन, तो इस कारण नहीं कर पाए। नहीं, जो जैसे क्लास में जो पढ़ाए गए क्या मतलब उससे उठ के बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे क्लास के ही क्वेश्चन हो? हाँ, कुछ कुछ तो थे डायरेक्ट जैसे क्लास के ही थे। आने सर ने वेक्टर थ्री कराया था तो उससे तो बहुत सारे आए थे क्वेश्चन। वेक्टर थ्री शायद 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों का क्या है, एक्सपेक्टेड भी था, बोला भी था मैंने, सर ने बोला ही था। केमिस्ट्री का लेवल कैसा रहा? केमिस्ट्री का लेवल फिजिकल तो सारे इंटीजर आए थे। और हो गए कि नहीं इंटीजर? फिजिकल तो किया ही नहीं था। कितने मार्क्स आ जाएंगे? अब शायद मार्क्स 100। सर कैसे मार्क्स से 100 अगर आ जाएंगे तो? इस बार के हिसाब से ठीक है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो ड्रॉपर के हैं उनका कोर्स नहीं फिनिश हुआ है, तो मतलब 100 थोड़ा कम है लेकिन ठीक है, मतलब एवरेज तो ठीक है। डिस्टिंक्शन कितने पे होती है, सिलेक्शन कितने पे होता है, कुछ बताएंगे सर हमारे व्यूअर्स? सर एक्चुअली में क्या है कि देखिए, जैसे आप मोटा मोटा अपन मान लें कि 10 लाख फॉर्म आए, वैसे तो 9 लाख से प्लस है बट 10 लाख मान लें, तो अगर आपकी 99% आती है और मेरी समझ में इस बार 160 पे 99% आ जाएगी। 160 मीन्स आप मान लो मोटा मोटा 40 क्वेश्चन में आपकी 99% आएगी। 99% का मतलब हो गया आपकी टॉप 10,000 रैंक आई। करेक्ट। और टॉप 10,000 में आप समझो कि ऊपर के 5-6 हज़ार तो आईटी में चले जाएंगे। करेक्ट। तो आपको अगर आप इस पेपर में जनवरी वाले अटेम्प्ट में अगर जिसके 40 क्वेश्चन सही है ना सर, वो टॉप एनआईटी में जाएगा। केवल 40 75 out of 75 अगर 40 क्वेश्चन भी सही हो गए तो टॉप एनआईटी में जाएगा। तो मेरे हिसाब से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इज परफेक्ट राइट नाउ। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आयुष शर्मा। आयुष, आपका नाम? मेहर प्रताप। मेहर प्रताप। मेहर प्रताप, दोनों का पेपर कैसा हुआ ये बताओ? अच्छा गया सर। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए सर इसमें? 32 के। 32? यस, 37। 37। ये लोग हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। हिंदी माध्यम के बच्चे, कुछ पूछना चाहते हैं सर आप इनसे? ये हिंदी माध्यम का? हां, दो ये हिंदी का। हिंदी का है ना? कैसा मतलब क्या तीनों सब्जेक्ट में क्या टफनेस थी, मतलब कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा टफ था, क्या कहोगे सर? थोड़ी फिजिक्स लगी और तो सर बिल्कुल सोचा ही नहीं था इतना सरल पेपर आ सकता।
पैर पे तो सारा लिया, फुल टॉस मार दी बॉल। अच्छा चक्कर लग गया, मतलब चक्कर पड़ गया, अनएक्सपेक्टेड बोल रहा हूं, मतलब एक्चुअली हो सकता है सर अभी तो पेपर देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि जनवरी का अटेम्प्ट है, थोड़ा डेट जल्दी अनाउंस हो गई है, तो हो सकता है पेपर के लेवल भी जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसके हो गए हो, तो सही लग रहा है, ये एक पॉइंट होता है ना। तेरे हिसाब से क्या है भाई पेपर कैसा रहा? केमिस्ट्री फिजिक्स तो सही गया, मैथ थोड़ा मैंने कम देखा, मतलब 5-6 क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने कर दिए, बाकी मैंने ज़्यादा टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री पे दिया। तो कितने कितने क्वेश्चन किए फिजिक्स केमिस्ट्री में? फिजिक्स में मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला के 34-35 तक कर दिया था मैंने। और 5-40 क्वेश्चन, मतलब अपने जो प्लानिंग बताई थी फुल फॉलो करेगी, 40 करने अपने को ना, बहुत बढ़िया 40 क्वेश्चन कर दिया सर ना अरुण जी, 40 अगर सही हो गए ना इसके तो आप समझ लो कि 99% आई लाएगी गारंटी। चलिए बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच, बढ़िया अच्छे से पढ़ी करो। क्या नाम है आपका? मोनिका मेवाड़ा सर। मोनिका कैसा रहा पेपर? सर ठीक गया था। अच्छा ठीक था, क्या मुश्किल था क्या आसान था? सर फिजिक्स थोड़ी टफ लगी, बाकी मैथ बन गया और केमिस्ट्री ज़्यादा बहुत ज़्यादा करके आए हम। उसके बाद केमिस्ट्री में ना बायो मॉलिक्यूल पॉलीमर बहुत पढ़ के गए थे, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा उसका, ये थोड़ा दुख की बात हो गई। क्योंकि हमने सोचा था 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में करके आऊँगी, लेकिन 15 ही क्वेश्चन किए मैंने। फिजिकल ज़्यादा थी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या ज़्यादा था? क्या इनऑर्गेनिक और फिजिकल थी, ऑर्गेनिक का थोड़ा मुझे कम आता है। ओके तो ये बताओ कि जनरली ये कहते हैं कि मैथ्स जो होता है बहुत लेंदी होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा था आज के पेपर? नहीं नहीं लेंदी नहीं था इस बार का मैथ। अच्छा लेंदी नहीं था? नहीं मुझे तो नहीं लगा, मेरे से तो बनने तो क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए आप मैथ में? मैंने 10 क्वेश्चन। नहीं टोटल टोटल आउट ऑफ 75 क्वेश्चन आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हमने मैंने 30 क्वेश्चन किए हैं। 30 बढ़िया, चलो बेस्ट ऑफ लक। फिजिक्स में उससे नहीं बनना, थोड़ा बाकी बन गया। चलो बेस्ट, बढ़िया। क्या नाम है आपका? अमित। अमित कैसे रहे पेपर? अच्छा क्या, मैथ्स थोड़ा लेंदी था, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आसानी आए थे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बेटा? 71 अटेम्प्ट किए। 70। ओके केमिस्ट्री में किस पार्ट से ज़्यादा था, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक में मतलब अगर मैं पहले फिजिकल की बात करूँ तो सॉलिड स्टेट का उन्होंने एक भी सवाल नहीं दिया था, इंटीजर में सिर्फ एक सवाल था, वो भी मतलब उसमें करेक्ट पॉइंट बताने थे, उसके अंदर सॉलिड स्टेट का सिर्फ एक डिफेक्ट वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन Fe.930O वाला था। ओके ओके वो स्टाइट वाला। हाँ स्टाइट वाला। और उसके अलावा ऑर्गेनिक में एक उन्होंने एल्डोल का सवाल पूछा था, एक सवाल सेम जो एनटी अभ्यास टेस्ट में था वो आ गया था, उसमें बेंजीन के पश्चात बीआर को उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया था। और इनऑर्गेनिक में ब्लॉक केमिस्ट्री के मतलब एनसीईआरटी से जो लाइन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो इस बार नहीं था, जो यूजेस वगैरह अपने सवाल दिए थे। और तुरंत एवरीडे लाइसेंस से एक सवाल था, बायोमॉलिक्यूल से एक भी सवाल नहीं था, एक सवाल था उसके अंदर वेरिएंट का स्ट्रक्चर बना के दे दिया था ऑलरेडी। तो जैसे जनरली जेईई का पैटर्न होता है कि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, वैसा फॉलो हो रहा था? हाँ हो रहा था, सरफेस सवाल थे, दो सवाल थे सरफेस, मतलब हर चैप्टर से क्वेश्चन था। हाँ, सॉल्यूशन से भी ज्यादा सवाल आए थे, दो सवाल सरफेस, लिक्विड सॉल्यूशन के दो सवाल थे। हाँ और सरफेस के भी, काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का एक सवाल था, उसके अंदर उन्होंने मतलब वो जो आरएनएस का इक्वेशन होता है ना उसके ऊपर वो चार पॉइंट्स दिए थे बताना था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट और उस पे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा उस पे पूछा था। और फिजिक्स का पेपर भी ठीक था, मैथ्स थोड़ा लेंदी था, उसमें टाइम लगा, मेरे छूटे भी मैथ्स में। रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन आया था फिजिक्स में? फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी का नहीं, फिजिक्स में था रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन, दोनों में केमिस्ट्री में भी नहीं था, केमिस्ट्री में भी नहीं था। मैथ्स में, मैथ्स में क्या लेंदी था, किसका पोर्शन ज्यादा आया था मैथ्स में? 3D का पोर्शन ज्यादा आया था, डेफिनेट के एक दो सवाल थे और लिमिट्स वगैरह के भी थे, मोस्टली इक्वलिटीज था 11th और 12th का। व्हाट अबाउट कैलकुलस? कैलकुलस के मतलब इंटीजर टाइप में भी दो सवाल थे और इधर भी दो सवाल थे, सिंगल क्रेडिट कैलकुलस का पार्ट था मतलब। लेंदी था पेपर की? मैथ्स का तो लेंदी था, देखे हुए क्वेश्चन आए थे, देखे क्वेश्चन थे लेकिन पेपर लेंदी सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। पीवाई क्यू से मिले थे? पीवाई क्यू से केमिस्ट्री के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे एज इट इज। ओके आउट ऑफ 70 आपको क्या लगता है कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके? अगर नेगेटिव है मेरे 5 ही मोस्टली गलत नीचे जा सकता है, मैथ्स में ही जाएंगे अगर जाएंगे तो, मैंने मैथ्स में आखिरी में जल्दबाजी बहुत, बाकी मतलब ओवरऑल पेपर अच्छा हुआ। हाँ अच्छा गया, तो आप तो एडवांस की प्रिपरेशन में लग जाओ। हाँ हाँ लग जाए ना, मेंस अब फिनिश, दोबारा देने की जरूरत भी नहीं है, एडवांस में लग जाओ, दे देना ठीक है, तो फॉर्मेलिटी है, बाकी एडवांस में लग जाओ, बढ़िया बढ़िया ना, ऑल द बेस्ट बेटा। तो कितनी मेहनत लगती है आखिर एक बच्चे को यहाँ इस एग्जाम सेंटर तक पहुँचाने में, ये पूछते हैं आरआईडी सर से। देखिए सर रियलिटी ये है कि हम लोगों का जो रोल है ना 40% है, मतलब कोचिंग का रोल कितना है 40%, मतलब अनबायस होकर अपन ने ये नहीं कि कोचिंग ही सब सेलेक्ट करा दी, 40% रोल कोचिंग का होता है, 60% रोल स्टूडेंट का होता है। अगर स्टूडेंट ऑनेस्टी से जिस दिन से कोटा आया और जब तक उसका एग्जाम हो रहा है उस दिन से अगर ऑनेस्टी से पढ़ाई करेगा ना, कोटा एक ऐसा प्लेस है जो गारंटीड बच्चे को बहुत अच्छी जगह पहुँचा देगा। मतलब कोटा में पढ़ने वालों के लिए तो कोटा आप ऐसे समझ लो कि स्वर्ग है, अगर ऑनेस्ट है ना बच्चा और मतलब हार्ड वर्कर है तो कोटा मतलब ये एक स्वर्ग है कि मतलब गारंटीड आपको अच्छी जगह कोटा पहुंचाएगा, कोटा की खास बात है। अब मान लीजिए 40% रोल जो कोचिंग का है वो तो कोचिंग
कर रही है, बट 60% रोल जो स्टूडेंट का है वो नहीं कर रहा, तो उसमें सर कोचिंग कुछ भी नहीं कर सकती, कोई भी कोचिंग कुछ नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बट ये अगर एक बात और बताऊंगा, पहले भी मैंने बोला कि अगर बच्चा ऑनेस्ट है, उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो हार्ड वर्क तो करना सीखेगा कोटा में, और हार्ड वर्क हमेशा पे करता है, किसी भी फील्ड में होगा हार्ड वर्क तो हमेशा पे करता है, इसलिए मतलब हार्ड वर्क बहुत जरूरी चीज है। यानी सर आपके सामने कौन कौन सी बड़ी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जब बच्चों को पहली बार मिलते हैं, जब नए नए कोर्स करने आते हैं, कोई एक एक चीज़ बता दीजिए। दो तीन चीज़ें होती हैं सर। देखिए जब पहली बार बच्चा कोटा आता है तो पहली चीज़ तो वो घर से बाहर निकलता है तो उसको एक घबराहट सी होती है, भाई वो स्कूल के लेवल पर पढ़ा होता है, कोचिंग्स में आता है तो थोड़ा सा क्राउड भी उसको लगता है, 50-60 बच्चा 100 बच्चा क्लास में होता है, उससे वो डरता है। और कुछ कोर्सेज को उसको लगता है जो वो पढ़ के आया तो उसको कई चीज़ें नहीं दिखती हैं यहाँ पर जो हम बताते हैं, आई टी का सिलेबस, कई बच्चों ने पहली बार आई टी का नाम सुना होता है, सीधे एडमिशन ले लेते हैं कोटा में, तो ये काफ़ी चीज़ें होती है जो हमको बच्चे को समझाना पड़ता है। उसके अलावा बच्चे का ये जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो थोड़े दिनों में मतलब बूस्टअप करना सबसे बड़ी पहली चीज जो हमारी होती है कि वो सीखे ना सीखे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। जब वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है तभी वो आगे जाकर के कोर्स के साथ अकॉर्डिंग ढल पाता है, कोर्स के अकॉर्डिंग काम कर पाता है, और यहाँ तक जो वो पहुँच रहा होता है, जब वो पेपर दे रहा होता है तो उससे पहले तक हम उसको इतना घिस देते हैं, मतलब इस तरीके के जो एक्चुअल जेई मेन दे रहा होता है उसका उसके जैसे बहुत सारी प्रैक्टिस हम करा चुके होते हैं, जिससे वो जब यहाँ पेपर देने, जैसे भी आपने देखा था एक बच्चे ने बोला था उसको वही लगा कि जैसे उसको क्लासरूम में टेस्ट हो रहा था बिल्कुल वैसे उसको यहाँ पे फील आई। उसका रीज़न ही ये था क्योंकि हमने उसको इतना घिस के यहाँ पे भेजा होता है कि उसको लगता नहीं है कि वो ओरिजिनल पेपर दे रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस वो बहुत कर चुका होता है। तो अगर उसने उस पेपर को बहुत अच्छे से, जो हमने उसकी प्रैक्टिस किया उसको बहुत अच्छे से किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो 100% मेहनत करे, उसने 80% भी अगर मेहनत करी होगी ना सर तो पक्का वो गारंटी है एनआईटी में। बिल्कुल बिल्कुल।